कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण का समापन। डिडवाना कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे भेड़ बकरी पालन विषय पर 7 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को समापन हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर जी आर मुंड रहे अध्यक्षता। प्रशिक्षण संस्था के निर्देशक डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट ने की इस अवसर पर संस्था के निर्देशक डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट ने भेड़ बकरी पालकों को रेवड़ में नस्ल के महत्व के बारे में बताया। साथ ही किसानों को आग्रह किया कि 7 दिनों में जो जानकारी प्रदान की गई है उससे अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को साझा करें एवं उनको भी लाभान्वित करें। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को भेड़ बकरी पालने की उन्नत तकनीकी जानकारी डॉक्टर धीरज कुमार बागड़ी द्वारा प्रदान की गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषकों को भेड़ बकरी एवं पशुपालन से संबंधित उन्नत तकनीकियों जैसे प्रजनन, स्वास्थ्य, पशु पोषण, अधिक उत्पादन के लिए गर्भधारण एवं पशुपालकों को नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करे। किसानों के ज्ञान एवं कौशल को में वृद्धि करना है। डॉक्टर धीरज कुमार बागड़ी ने कहा कि बकरी पालन एक प्रकार की गरीब की गाय है जिससे कम पूंजी लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर जी आर मुड ने कहा कि छोटे व सीमांत किसानों तथा सामाजिक व आर्थिक एवं पिछड़े लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर मुड ने पशुओं की बीमारी और उनके उपचार तथा पशु बीमा के बारे में विस्तार से बताया। पशु सहायक डॉक्टर नम्रता रंगवान ने भी विचार व्यक्त किए। डॉक्टर लखमाराम बागवानी वरिष्ठ, डॉक्टर अनूप कुमारी, डॉक्टर ममता चौधरी, सुमित्रा बम्बारिया, पुष्पा कुमावत आदि मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर में 7 दिवसीय भेड़ और बकरी पालने का प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हुआ। इस मौके पर संस्था के निदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट ने बकरी और भेड़ पालना लाभदायक बताया। वैज्ञानिक ढंग से जानकारी प्राप्त करके व्यवसाय करना चाहिए। डॉक्टर धीरज कुमार बागड़ी ने भेड़ और बकरी गरीब की गाय बताया। कम पूंजी लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर जे आर मुंड ने पशुओं की बीमारी और उनके उपचार तथा पशु बीमा के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि छोटे सीमांत किसान और आर्थिक पिछड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण में 70 लोगों ने भाग लिया और प्रमाण पत्र प्राप्त किए।